हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेस्क्यू डॉन को, जो कि एक रोमांचक और एडवेंचर से भरपूर मूवी है। तो कहानी शुरू होती है एक एयरक्राफ्ट से, जिसमें कई सारे एयरफोर्स के जवान वॉर पर चर्चा कर रहे होते हैं। इसके कुछ देर बाद इसी एयरक्राफ्ट में ये जवान मूवी देखना शुरू करते हैं, जिसके दौरान ये लोग काफी मस्ती करते हुए भी नजर आते हैं। इसके बाद सभी जवानों को हमला करने से पहले तैयार किया जाता है और उन्हें हमले के बारे में ब्रीफ भी किया जाता है। इन जवानों में एक डैंगलर है जिसका ये पहला मिशन है और सभी जवान उसका उत्साह भी बढ़ा रहे होते हैं। मिशन से पहले सभी जवान डैंगलर से मिलते हैं और फिर एक एक करके अपने मिशन पर चले जाते हैं। डैंगलर भी अपने विमान के साथ टेक ऑफ करता है और वियतनाम के इलाके में जाकर खूब सारी बमबारी करता है। डैंगलर इतनी तेजी से बमबारी करता है कि दुश्मन को तहस नहस करके रख देता है, मगर तभी दुश्मन का एक टैंक डैंगलर पर भारी पड़ जाता है और उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। डैंगलर जैसे तैसे उस प्लेन से निकलकर अपनी जान बचाता है और वहां से बचकर खेतों के रास्ते जंगल में हो लेता है, मगर हम देखते हैं कि दुश्मन बड़ी संख्या में अब भी डैंगलर का पीछा नहीं छोड़ रहे और वो उसका पीछा कर रहे हैं। डैंगलर खुद की जान बचाने के लिए अब जंगल में घुस जाता है और जंगल से भागते भागते उसे एक कोठी मिलती है। वहां जाकर वो खुद को भूखा पाता है और उस कोठी से कुछ फल निकालकर खा लेता है। फिर इसके बाद वो वहां से निकलकर पानी खोजने लगता है और जैसे ही उसे एक पानी की झील जंगल में दिखाई देती है तो वो दौड़कर पानी पीने चला जाता है। मगर जैसे ही डैंगलर पानी पीना शुरू करता है तभी दुश्मन वहां पे आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। डैंगलर को पकड़कर वो लोग एक बस्ती में लेके जाते हैं जहां उसे अच्छा खासा टॉर्चर किया जाता है। डैंगलर की यहाँ अच्छी खासी धुलाई होती है और यहाँ जो भी आता डैंगलर पर हाथ साफ करके चला जाता। अब दोस्तों, डैंगलर को पकड़ने के बाद ये लोग हर दिन अपने रहने का ठिकाना बदलते हैं ताकि दुश्मन उन पर हमला न कर दे। इन हमलों से बचने के लिए वो रोज जगह बदलते हैं। इसके बाद वो डैंगलर को दूसरी जगह पे ले जाते हैं और यहाँ भी उसे खूब सारा टॉर्चर किया जाता है। अब अच्छा खासा टॉर्चर करने के बाद ये लोग डैंगलर को एक बड़ा सा घर बना है वहां लेकर आए हैं। यहाँ इनका हेड रहता है जो डैंगलर से कुछ बात करता है और एंड में उसे एक पेपर पर साइन करने को कहता है, मगर डैंगलर ये सब करने से मना कर देता है। उनका हेड दोबारा उसे साइन करने के लिए बोलता है, तब भी डैंगलर इससे साफ इनकार कर देता है। इसके बाद हेड को काफी गुस्सा आता है और उसको फिर से खतरनाक वाला टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। अब ये डैंगलर का अब तक का सबसे खतरनाक टॉर्चर था और अब उसे भयानक जंगल में लाया जाता है जहां पर इनका अड्डा भी है। यहां बहुत सारे कैदियों को कैद करके रखा गया है और देखने में ये जगह काफी खतरनाक दिखाई देती है। ये लोग इस बार डैंगलर को इन्हीं के हवाले कर देते हैं जो कि सालों से यहाँ कैद हैं। आगे जब डैंगलर यहाँ से कैदियों से भागने की पूछता है तब वो लोग उसे बताते हैं कि तुम इसे जितना आसान जेल समझ रहे हो ना, ये जेल उतनी आसान है नहीं। ये पूरा का पूरा जंगल उनका है और यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अब डैंगलर उन्हें बताता है कि वो लोग रात को निकलेंगे जब सब सो रहे होंगे। इस बात को सुनकर सारे कैदी हंसने लगते हैं और डैंगलर कंफ्यूज हो जाता है कि उसने आखिरकार ऐसा क्या बोल दिया कि ये लोग हंस रहे हैं। दोस्तों, जब रात होती है तो इन्हें रात में जकड़ के रखा जाता है। यहाँ से भागना तो दूर है, ये हिल भी नहीं सकते हैं और जकड़न की वजह से इनके शरीर को दर्द भी सहना पड़ता है। इतनी सारी मुश्किल झेलने के बाद डैंगलर को समझ में आ जाता है कि क्यों आखिर ये लोग रात में भागने वाली बात पर हंसे थे। अगले दिन जब सुबह होती है तो डैंगलर रात की जकड़न से बचने के लिए एक कील ढूंढ रहा होता है तो उसे कहीं कोई कील नहीं मिलती है। डैंगलर बड़ी मेहनत से एक कील ढूंढ निकालता है और बड़ी चालाकी से अपने पास रख लेता है। वो इस कील को पिघलाकर चाबी बनाता है और जब रात होती है तो इस चाबी से अपने और अपने दोस्तों की हथकड़ी खोल देता है जिससे वो चैन से सो पाए। अब अगले दिन वो लोग वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं और इसी बीच ड्वेन नाम का एक कैदी डैंगलर का अच्छा दोस्त बन जाता है। डैंगलर उन सभी को रोज अपने हिस्से का खाना बचाने की सलाह देता है ताकि जब वो लोग यहाँ से भागें तो बाद में उनके खाने के काम आ सके। धीरे धीरे डैंगलर वहां से निकलने की पूरी प्लानिंग कर लेता है और एक दिन जब कोई नहीं रहता तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलते ही इन सब में आपस में झगड़ा होता है और ड्वेन और डैंगलर अपनी टीम से अलग होकर जंगल में चले जाते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए बारिश होने लगती है तब वो एक पेड़ के नीचे रुककर बारिश खत्म होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही बारिश रुकती है वो आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक नदी मिलती है। वो दोनों उस नदी में कूद जाते हैं और उसी में बहने लगते हैं ताकि उन्हें कम पैदल चलना पड़े। नदी में कुछ देर रहने के बाद डैंगलर को एहसास होता है कि आगे वाटरफॉल है तो वो नदी से निकलकर पैदल चलना शुरू कर देता है।
आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक गांव मिलता है जो कि एक पुराना गांव था और अब वहां कोई नहीं रहता। डैंगलर और ड्वेन थोड़ी देर तक रुकते हैं, तभी वहां उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। डैंगलर उसे देखकर बहुत चिल्लाता है मगर वो उसकी आवाज नहीं सुनता और निकल जाता है। इसके बाद डैंगलर ड्वेन को लेकर आगे बढ़ता है। आगे उन्हें कुछ गांव मिलते हैं जो उन पर हमला करते हैं। हमले में ड्वेन मारा जाता है और डैंगलर वहां से भाग जाता है। डैंगलर लंबे समय से भूखा था और उसने एक अरसे से खाने की शक्ल भी नहीं देखी थी। भागते भागते वो नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां उसे एक जिंदा सांप दिखता है जिसे वो खा जाता है ताकि उसकी भूख मिट सके। मगर तभी वहां से दो हेलीकॉप्टर गुजरते हैं। डैंगलर उन्हें रोकने की इस बार पूरी कोशिश करता है और इस बार हेलीकॉप्टर वाले डैंगलर को ऊपर भी ले लेते हैं। मगर जैसे ही डैंगलर रस्सी के सहारे ऊपर जाता है तभी वियतनाम के सैनिक आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। मगर डैंगलर जैसे तैसे करके बच के ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचते ही वो हेलीकॉप्टर में जश्न मनाने लगता है और जोर से चिल्लाने लगता है। फिर हेलीकॉप्टर में मौजूद जवान उससे उसका परिचय पूछते हैं तो डैंगलर उन्हें बता देता है। वो जवान डैंगलर को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और उसके डैंगलर की यूनिट के कुछ दोस्त आते हैं और वो उसे बर्थडे मनाने के बहाने अपने यूनिट में ले जाते हैं जहां उसका जोरदार स्वागत किया जाता है और उसे सम्मानित भी किया जाता है। और इसी के साथ ही इस मूवी का हो जाता है द एंड। तो दोस्तों ये थी रेस्क्यू डॉन। ऐसी ही और भी मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।